अपार्ट फ्रॉम मी नोबडी विल प्रेजेंट देयर स्क्रीन, नोबडी प्रेजेंट देयर स्क्रीन प्लीज. तो टुडे इज तमन्नाज बर्थडे. आई वुड लाइक टू विश हर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. मे यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ तमन्ना. सो तमन्ना, थैंक्स मैम. ओके बच्चे, वेलकम. नाउ वी शुड स्टार्ट द क्लास. So, in the last class, we have done our Robinson Crusoe chapter. We have understood the story of Robinson Crusoe, and I have also explained you the whole story of Robinson Crusoe. I hope who has attended the class, they have understood well. But who has not attended the class, I request all of them to watch the recorded video which I have sent you in the group. One more thing I would like to share with you. I request all the students, please don't send any messages in the Google Classroom. Don't even write, "Hi ma'am," "Hello ma'am," "I am this, I am that." Don't write it. It doesn't look good. Whenever I open this Google Classroom, I have seen lots of messages, and yesterday I have seen 70 messages in the group of 5th A and B included. So I request you, this platform has been made for just teaching learning process. If you have any questions, you want to say anything important, don't write anything in the Google Classroom. "Ma'am, mera net nahi chal raha, that's why I'm unable to attend the class. Ma'am, how should I upload the homework?" If you have any query, ask me through WhatsApp only. Don't write anything, "Hi, hello, how are you, what's up?" Write kind of a sen such sentences in the Google Classroom. मैं सभी बच्चों को ये बात रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि प्लीज ऐसे मैसेजेस आप गूगल क्लासरूम में नहीं लिखेंगे, ठीक है? और जब हम लाइव क्लास लेते हैं, मैं मोस्टली सभी बच्चों की क्वेरीज जो होती है वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. फिर भी किसी की रह जाती है, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप. बट आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो इस मतलब मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है ना. कभी कभी होता है मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाती या कुछ है, तो गिव मी सम टाइम टू रिप्लाई योर क्वेरीज, बट डोंट राइट एनीथिंग इन द गूगल क्लासरूम. आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी. चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारे आज के रॉबिन्सन क्रूसो के. ओके मैम, सॉरी स्मिता. नो बच्चे, इट्स ओके. यू डोंट नो कि आपको उसमें नहीं लिखना था. इट्स ओके, सॉरी की जरूरत नहीं है बच्चे. बट ये गलती अब दोबारा नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि अगर बाहर से हमें वो गूगल क्लासरूम पे हमारे प्रिंसिपल सर की सबकी नजर बनी हुई है, तो डोंट थिंक कि कुछ भी आप भेजेंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को, ठीक है? मैं देखूं ना देखूं, प्रिंसिपल सर देखते हैं कि 5th क्लास के बच्चे ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं. फिर वो सर मुझे बोलते हैं कि मैम आपके ग्रुप में ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं. तो प्लीज ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जिससे मुझे डांट पड़े आप लोगों के पीछे, है ना? चलिए बच्चे. तीर्थांकर अभी सो के उठे हैं शायद. गुड मॉर्निंग सर बोल रहा है बेटा. मैं मैम हूँ तनाया. सॉरी मैम. इट्स ओके बच्चे, आपको पता नहीं था तो अब ये गलती दोबारा नहीं करनी. सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है. जस्ट डोंट रिपीट योर मिस्टेक. दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉरी. वी विल नॉट रिपीट आवर मिस्टेक. दैट मीन्स यू आर सॉरी अबाउट सम. तो इट्स ओके, बट ये गलती अब दोबारा नहीं करनी बच्चे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम. We have already understood the chapter Robinson Crusoe. Now we will start with the new words. तो हियर वी विल स्टार्ट आवर न्यू वर्ड्स. नीलाद्री मैम, हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेज सकते हैं क्या? नहीं बच्चे, कोई मैसेज नहीं भेजना नीलाद्री.
आपको कुछ भी गूगल क्लासरूम में नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, कोई मैसेज नहीं भेजना है आपको। अपना नाम, मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम दिस, मैंने होमवर्क भेजा है। आप होमवर्क भेजेंगे तो मुझे मिलेगा, आपको लिख के भेजने की जरूरत नहीं है। मैं प्रांति की, हाँ मैं कोई भी एक्स वाई बच्चा, और मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, मैम प्लीज चेक कर लीजिए। अगर आप होमवर्क भेजेंगे, मैं चेक करके आपको भेजूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। और आप अपना नाम लिखकर, कुछ भी लिखकर मैसेज, उसमें एक मैसेज ओके तक मैसेज आप नहीं भेजेंगे, ठीक है नीलाद्री? समझ में आ गया सब बच्चों को अच्छे से? तो कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड नाइट नहीं, उसमें नहीं लिखना। मैम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन आप रिलेटेड है ड्यूरिंग क्लास आप पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखना बच्चे, कुछ भी नहीं लिखना। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपको क्वेश्चन उसमें नहीं लिखना। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या जिस भी टीचर का प्रॉब्लम है या जिस भी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना है, आप उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछिए। गूगल क्लासरूम में किसी भी ग्रुप में, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, किसी भी ग्रुप में आप मैसेज नहीं करेंगे कि मैम ये मेरा होमवर्क है चेक कर दीजिए। मैम को आप भेजेंगे, मैडम को नाम विजिबल होता है, हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से बच्चे उसमें सेव है। जब भी आप कुछ एक मैसेज भी भेजते हैं तो ऊपर नाम लिख के आता है। यू डोंट नीड टू राइट कि मेरा नाम ये है और मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ आता है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जस्ट सेंड योर वर्क, जो भी आपको वर्क मिला है, एक्टिविटी या दी है मैम ने, जस्ट उसको कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, उसको अटैच कीजिए और सेंड कर दीजिए। ओके, सबको ये बात समझ में आई बच्चे? रोमित, कोई बात नहीं बच्चे, वैभवी, इट्स ओके, पुंशोक्षा, कोई बात नहीं बच्चे, इट्स ओके, तमन्ना, सॉरी, इट्स ओके बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू वर्ड्स। दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड इज फुटप्रिंट। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फुटप्रिंट। अ मार्क ऑफ द फुट, अ प्रिंट ऑफ द फुट इज इक्वल टू कॉल्ड फुटप्रिंट। मतलब पैर की कोई भी छाप, जमीन पे आ जाना, वेट मड पे आ जाना, जो भी हम चलते हैं, कीचड़ कभी होता है बारिशों के टाइम, हमारे फुट के मार्क्स हमेशा छपते जाते हैं। इफ वी आर वियरिंग स्लीपर्स तो उसके पैरों के निशान आ जाते हैं, अगर हमने स्लीपर नहीं पहनी हुई तो हमारे फुट का प्रिंट आ जाता है। सो फुटप्रिंट्स मींस अ मार्क ऑफ फुट और प्रिंट्स ऑफ फुट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अमेज्ड। वी हैव डन वर्ड मैनी टाइम्स। आई कैन आई इमेजिन कि आप सबको ये वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो अ फुटप्रिंट, सॉरी, अमेज मींस, नाउ स्टॉप सेइंग सॉरी बच्चे, इट्स ओके, नाउ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, इट्स ओके ओके। चलिए अनुद्रित, नो नीड टू से सॉरी, दोपियर, आयुष वैद्या, इट्स ओके। चलिए बच्चे, पंचोक्ष, इट्स ओके बच्चे, नाउ फोकस ऑन योर स्टडी। दैट वी हैव डन दिस वर्ड अमेज लॉट्स ऑफ टाइम, और हमने चैप्टर के बीच में भी, मैंने जब आपसे मीनिंग पूछा था, यू मोस्टली बच्चों को अमेज का मीनिंग पता है, दैट इज सरप्राइज। हम जब किसी चीज पे शॉक्ड या सरप्राइज हो जाते हैं, किसी चीज को देखकर एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं, सो दैट इज वी कॉल अमेज। द नेक्स्ट इज श्योर। हमने श्योर वर्ड पहले भी किया था चैप्टर में जब पढ़ा था। श्योर मीन्स कोई किनारा, जैसे ये समुद्र होता है, उसके साइड की जो ये होती है, जहां रेत ही रेत होती है समुद्र के चारों ओर, उसी को कहते हैं शोर। शोर मतलब अ बाउंड्री ऑफ रिवर, रिवर की या समुद्र की कोई बाउंड्री होती है, किनारी होती है, उसी को कहते हैं शोर। एग्जैक्ट मीनिंग इसका होता है किनारा या समुद्र का तट, इसको ही कहते हैं हम शोर। अ लाइन ऑफ वाटर बीच, यस मयंक, कोई भी जो अर्घ देती है, बॉर्डर भी कह सकते हैं, बाउंड्री ऑफ रिवर कह सकते हैं। बॉर्डर तो बेटा लैंड का भी हो सकता है, लेकिन लैंड के बॉर्डर को हम शोर नहीं कहते, हम रिवर, सी या कोई भी समुद्र होता है उसके आसपास का जो किनारी होती है उसी को कहते हैं शोर। और एग्जैक्टली इसका वर्ड होता है किनारा, तट या बाउंड्री ऑफ अ रिवर। द नेक्स्ट वर्ड इज कंफ्यूज। व्हेन वी गॉट कंफ्यूज, जब भी हमें कोई चीज आती नहीं है, वी गॉट कंफ्यूज। अगर मैंने बोला तुम्हें कि टू का यूज प्रीपोजिशन में कैसे होता है और आपको याद नहीं है कि टू का यूज कैसे होता है, देन यू बिकम कंफ्यूज। आप क्या कंफ्यूजन करोगे कि टू का यूज एट की तरह तो नहीं होता, इन की तरह तो नहीं होता।
तो कंफ्यूजन मींस व्हेन वी आर नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब कोई चीज समझने में मुश्किल होती है, कैन नॉट थिंक क्लियरली. यस मायंक इज करेक्ट, कैन नॉट थिंक क्लियरली. कंफ्यूज मींस व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, और वी गेट कंफ्यूज, और वी व्हेन वी इट बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन वी बिकम कंफ्यूज. जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, ये करे कि ये करे या क्या करे, देन वी बिकम कंफ्यूज. कंफ्यूज मीन्स हम बिल्कुल पजल हो जाते हैं. ठीक है. यस द नेक्स्ट वर्ड इज फाइटेंट. ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था, आप लोगों ने ही मुझे इसके तीन मीनिंग बता दिए थे. यस फाइटेंट मीन्स फियर, कैड, और क्या बताया था आप लोगों ने, अफ्रेड. वेरी गुड. फ्राइटेंड मीन्स डर जाना किसी चीज से. हम जब डर जाते हैं, फ्राइटनेस हो जाते हैं, फियर हो जाते हैं, और स्केर्ड हो जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, दैट ऑल मीनिंग आर कंसिडर फॉर फ्राइटेंड. तो फ्राइटेंड का एग्जैक्टली मीनिंग है डर जाना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज चेज्ड. चेज्ड मीन्स व्हेन समबडी इज फॉलो यू. अब मुझे बताएंगे चेज्ड वर्ड चैप्टर में किसके लिए यूज हुआ था. Who was chasing to whom? Who was chasing to whom? मोहम्मद असलम. ओके, रॉबिन्सन क्रूसो ने यूज किया था चेस, लेकिन उसको चेस कौन कर रहा था बच्चे? प्रदीप्ता. ग्रास एंड बुशेस, सेवेजेस. सेवेजेस वर चेजिंग टू रॉबिन्सन. यस तेजश्री. वेरी गुड बच्चे. वाइल्ड सेवेजेस. यस यस असलम. सेवेजेस जो जंगली उसको लग रहे थे आसपास की, उसे लग रहा था कि कोई जंगली जो पहले के लोग होते थे बिल्कुल आदिवासी, कहीं वो तो नहीं आ गए उसे पकड़ने के लिए, तो वो उसको फॉलो तो नहीं कर रहे. उसको ये लग रहा था कि जो सेवेजेस लोग हैं, कहीं वो तो नहीं आ गए पहले के जो आदिवासी लोग होते थे मुझे पकड़ने के लिए, तो वो मुझे फॉलो करने तो नहीं आ गए. चलिए अब मैं इस मुझे जरा ऐसा कोई वर्ड है बेटा जिसका मीनिंग अभी तक आपको समझ ना आया हो, तो फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. फुटप्रिंट, अमेज्ड, शोर, कंफ्यूज, फ्राइटनेस, चेज्ड, सबका मीनिंग क्लियर है बच्चे? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. मैम आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? किसका नाम नहीं लिया बच्चे? एक मिनट रुकिए, किसका नाम नहीं लिया? अनुद्रीत. मैम बेटा इतने बच्चों के मैसेज आते हैं ना, ऊपर हो जाते हैं, इसलिए बीच में छूट जाते हैं ना, तो ऐसे कोई मेरी किसी बच्चे से कोई पार्शलिटी नहीं है. मैं किसी का नाम लूंगी और किसी का नहीं, ऐसा नहीं है. जो बच्चे स्क्रीन ऊपर भाग जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको अनुद्रित स्क्रोल डाउन करना, तो डोंट टेक इट पर्सनली कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स फियर, फ्राइटनेड, कैड. वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्ड अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डर जाना. ये वर्ड हमने उसमें भी देखा था माई शेडो में, है ना? चलिए अगला वर्ड है सेविजेस. नाउ सेविजेस मीन्स वाइल्ड पीपल. सेविजेस मीन्स जो जंगली लोग होते हैं. जैसे अगर देखा जाए जंगली वर्ड किसके लिए यूज होता है, टाइगर, लायन, जो क्योंकि वो जंगली जानवर है, दे आर वाइल्ड एनिमल्स. दैट्स वाई अब वाइल्ड पीपल क्या क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर. वाइल्ड पीपल इसलिए यूज हो रहा है, जो पहले के आदिवासी लोग थे वो इंसानों को मारकर भी खा जाते थे, इसलिए उन्हें जंगली कहा जाता था, सेवेजेस कहा जाता था. तो इसीलिए यहाँ पर सेवेजेस जो वर्ड हुआ है वाइल्ड पीपल के लिए हुआ है, जंगली लोगों के लिए हुआ है, जो पहले वाले लोग होते थे जो उनको खाना को नहीं मिलता था वो इंसान को पकड़ कर खा जाते थे मारकर. सो हियर द सेवेजेस वर्ड हैज यूज फॉर वाइल्ड पीपल. द नेक्स्ट वर्ड इज वंडर्ड. मैंने चैप्टर में पहले भी आपको बताया था वंडर्ड, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं विदाउट एनी पर्पस. जैसे आप घर से बाहर निकले, मम्मी ने आपसे कुछ सामान मंगाया, लेकिन आप सामान को भूलकर और इधर उधर घूमने निकल गए, खेलने निकल गए दोस्तों के साथ. तो मीन्स यू आर वंडरिंग हेयर एंड देयर. वंडरिंग मीन्स विदाउट रीजन, वेन यू गो हेयर एंड देयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड वंडर. बिना किसी काम के इधर उधर घूमना इज कॉल्ड वंडर. सो गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन, टू ट्रेवल विदाउट एनी पर्पस. तेजश्री करेक्ट बच्चे. सो
इट इज द मीनिंग ऑफ वंडर, टू गो एनीवेयर विदाउट परमिशन. यस, टू गो एनीवेयर और टू गो हियर एंड देयर विदाउट एनी रीजन और पर्पस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फियरफुल. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्राइटनेड, अफ्रेड, फियरफुल, स्कैर्ड. सो फियरफुल मीन्स डरावना, डरने वाला. ठीक है, यस सौरभ करेक्ट. अफ्रेड, स्कैर्ड, यस. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्शन. नाउ प्रोटेक्शन मीन्स द हु वॉज प्रोटेक्शन इन द चैप्टर, हु वॉन्ट प्रोटेक्शन. नो आई एम नॉट आस्किंग द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन उदीप मेघमला. बच्चे आई एम आस्किंग, यस असलम करेक्ट, रॉबिन्सन क्रूसो यस, तेजश्री यू आर ऑल्सो राइट, चैता, आयुष, दीपिका सिन्हा, स्मिता, द्वपियान, आयुष, मेघमला, रिया, कोहली. कोहली आई एम आस्किंग द प्रोटेक्शन वर्ड यूज फॉर हूम इन द चैप्टर. बेबी, अर्नव, यस बच्चे, अनुद्रित, अनुराग, यस बच्चे. द प्रोटेक्शन वर्ड यूज यूज फॉर रॉबिन्सन क्रूसो. ही वॉज नॉट फीलिंग प्रोटेक्टेड एट दैट प्लेस. क्यों वो प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था समबडी वॉज फॉलोइंग हिम. सो ही वॉन्ट्स टू फील सेफ और प्रोटेक्टेड, दैट्स वाई ही वेंट इन साइड हिज केव एंड ही कवर्ड हिज केव विद अ बिग स्टोन. उसने अपने केव के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था सो दैट ही कैन फील प्रोटेक्टेड और सेफ एट हिज ओन केव और प्लेस हाउस. सो प्रोटेक्शन मीन्स वेन यू फील सेफ. प्रोटेक्टेड मीन्स जब किसी की सुरक्षा, किसी की रक्षा, कोई सेफ फील करता है अपने घर में. वी फील प्रोटेक्टेड इन आवर होम. अपने घर में हम सेफ फील करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती. लेकिन वेन एवर वी गो टू अननोन प्लेसेस, वी बिकम कंफ्यूज और वी फील वेरी अनसेफ कि हमें यहाँ कुछ हो ना जाए, हमें कुछ लग ना जाए, है ना, ऐसा होता है ना. तो प्रोटेक्शन मीन्स सेफ्टी या सेफ रहना, सुरक्षित रहना, अपनी रक्षा खुद करना, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन. Now the next word is investigate. Investigate we have already understood in the chapter that it means to discover. बच्चे खुद ही मतलब सभी बच्चों को meaning पता है already, तो इतना मतलब मुझे deep में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि chapter के time भी मैंने ये word के meaning बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना. फिर भी एक बार सुन लेंगे. The investigate means to discover or find out the facts. Investigate मतलब कुछ खोजना, कुछ जो किसी चीज के पीछे की सच्चाई है. जैसे सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन ही तो होता है कि वो सच को खोजने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, कैसे इसका मर्डर या कुछ एक्स वाई चीज हुई होगी. तो ये सीआईडी जो नाटक आता है आप लोग देखते भी होंगे पहले, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है. इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल होती है, सच को खोजा जाता है, सच को ढूंढा जाता है कि रियल में उस टाइम क्या हुआ होगा. ओके, सो हियर वी हैव डन विद दिस दीज वर्ड्स. लेट्स मूव फर्दर. आप में से किसी को इस इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग है जो समझ नहीं आया, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. नो मैम, ओके चलिए बढ़ते हैं. यस मैम, मैं देखता हूँ सीआईडी. सुशोभन, वेरी गुड. बच्चे सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वही मीनिंग होता है. इन्वेस्टिगेशन मतलब सच को ढूंढना. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिक्वेंटली. फ्रिक्वेंटली होता है कोई काम हम जब रेगुलरली रोज रोज करते, अगेन एंड अगेन. वेरी गुड तेजस्वी. सो फ्रिक्वेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, रोज दोबारा दोबारा करते. जैसे हम फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, अब मुझे आप एक एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे फ्रिक्वेंटली से. आप रोज आजकल क्या कर रहे हैं, पूरा इंग्लिश में सेंटेंस बना के दिखाएंगे. व्हाट डू यू डू फ्रिक्वेंटली नाउअडेज. ओके मेघबलार, यू आल्सो वॉच सीआईडी, वेरी गुड. ओके नाउ टेल मी द मीन सेंटेंस. फ्रेम द सेंटेंस विद द वर्ड फ्रिक्वेंटली फास्ट. वी रीड अवर बुक्स फ्रिक्वेंटली, वेरी गुड दीपिका. फास्ट बच्चे, आई एम रीड फ्रिक्वेंटली, वेरी गुड अनुराग. आई एम रीडिंग होगा बच्चे. ओके, माई ब्रदर राइट्स फ्रिक्वेंटली. ओके, आई कंटिन्यूसली स्टडी. बट कंटिन्यूसली यूज नहीं करना, फ्रिक्वेंटली करना है.
The pen make it the correct sentence again. I wash my hands frequently. Very good, Niladri. I do study frequently. Hatim, good. Tanuj, we play frequently in park. Nowadays, you can't go to park. Yes, Tanuj. So I'm just kidding. Elise and Gupta, you do your work frequently. Very good, Shomik. I speak English frequently. Very good, Shomik. Rashri Rajkumari, we eat food frequently. Yes. The piano, okay. Jaita, I am singing frequently. I can sing frequently. My friends study frequently. I wash my hands frequently. Okay. Good. Meghmalar, Anudri, Tamanna, Jaita, Meghmalar. I can speak French frequently. Okay. Devapriya, we play frequently. Smita, we play frequently. I learn my storybook frequently. I'm writing frequently. Very good. So frequently means when we do continuously. Any work which we do frequently means again and again. जैसे we eat food frequently. हम रोज रोज खाना खाते हैं, है ना? सुबह खाते हैं, दिन खाते हैं, रात को खाते हैं. We drink or we have tea frequently. हम बार बार चाय भी पीते हैं. So frequently means continuously करते हैं, again and again करते हैं. So this is the meaning of फ्रिक्वेंटली. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, जो काम हम बार बार करते हैं उसे कहते हैं फ्रिक्वेंटली. चाहे हम टीवी देखें, खाना खाएं, पढ़ाई करें, पढ़े, सोएं या कुछ भी करें, दैट इज वी डू फ्रिक्वेंटली, जो हम रोज रोज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बोल्डर. बोल्डर वर्ड मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को तब भी बताया था. मयंक, फियरलेस. वेरी गुड बच्चे. तो बोल्डर मीन्स स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, ब्रेव. नाउ बोल्डर का वर्ड किसके लिए यूज हुआ था चैप्टर में बच्चे, जल्दी बताएंगे. हु हैज बिकम बोल्डर इन द चैप्टर? दीपिका, रॉबिन्सन क्रूसो. वेरी गुड असलम. तपियान, एलिस, देवप्रियो, प्रदीप्ता, तनुज, नीलाद्री, तमन्ना, हातिम, आयुष, रोमित, जयता. यस, रॉबिन्सन क्रूसो के लिए बोल्डर वर्ड यूज हुआ था बिकॉज ही बिकम बोल्डर. वो थोड़ा अपने आप में ब्रेव और साहसी फील कर रहा था, तो दैट वर्ड यूज हुआ फॉर रॉबिन्सन क्रूसो. बोल्डर मीन्स साहसी, थोड़ा सा ब्रेव हो जाना, स्ट्रोंग हो जाना और किसी काम को करने के लिए शुरुआत कर देना. तो बोल्डर मीन्स वेन वी बिकम फियरलेस और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग और ब्रेव. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड लिविंग. इनहैबिटेड मीन्स कहीं किसी जगह पर जब हम रहना शुरू कर देते हैं. सो इट इज कॉल्ड इनहैबिटेड. वो जगह रहने लायक हो जाती है. ऑक्यूपाइड बाय अदर पीपल हैव कम. जब कोई जगह रहने के लिए ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई हो जाता है घिरना. कोई जगह किसी के रहने के लिए शुरू हो जाती है, घिरना शुरू हो जाती है, लोग वहां रहना शुरू कर देते हैं या वहां निवास शुरू हो जाता है या लोग घर बनाकर अपना जीवन शुरू कर देते हैं किसी भी जगह पर, तो इसका मतलब होता है इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मतलब जैसे कैलाश शहर को हम इनहैबिटेड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं. इट इज द प्लेस वेयर पीपल आर, पीपल ऑक्यूपाइड देयर प्लेस, पीपल इनहैबिटेड हेयर. जहाँ पीपल, लोग अपना आराम से रह सकते हैं, यहाँ लोगों का निवास संभव है, यहाँ लोग आराम से रह पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनहैबिटेड. यहाँ लोग आराम से रह पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेनलैंड. नाउ मेनलैंड इज अ प्लेस. ये जो चैप्टर में मेनलैंड वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड. मतलब इतना फैला हुई जगह, इतनी मतलब कंटिन्यू और इतनी फैली हुई जमीन, उसी को कहते हैं मेनलैंड. अब इस चैप्टर में जो मेनलैंड वर्ड यूज हुआ है वो कॉन्टिनेंट की तरह हुआ है. कॉन्टिनेंट होता है जो महाद्वीप होते हैं ना, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बीच में रहने की जगहें होती है, आइलैंड की तरह. उसी को मेनलैंड कहते हैं जहां पर महाद्वीप होते हैं, जहां लोगों के रहने के लिए बीच में मतलब थोड़ी जमीन का हिस्सा जो होता है वो मेनलैंड कहलाता है. जब समुद्र के बीच में या उसके किनारे पर कोई जगह बसती है उसी को हम कॉन्टिनेंट, मेनलैंड या लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड कहते हैं. मतलब कि जब रहने की कोई जगह मिल जाती है हमें और अ बॉडी ऑफ लैंड हो जाती है या रहने के लिए कोई जगह मिल जाती है, उसी को हम
समुद्र के बीच में जो जगह मिलती है उसी को कहते हैं मेनलैंड। तो यहाँ तक आपको वर्ड क्लियर हुए बच्चे, तो हम क्वेश्चन आंसर आज कर लेते हैं, वी हैव इनफ टाइम, तो आज हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहैबिटेंट एंड मेनलैंड? बेटा इनहैबिटेंट होता है जब हम किसी जगह पर बस जाते हैं, जैसे आजकल जब कई जगह होगा शुरू में कैलाश शहर में कोई लोग नहीं रहते होंगे, हो सकता है ऐसा, है ना, लेकिन समय के साथ यहाँ लोग रहने लगे, है ना, यहाँ आ आकर बसने लगे, है ना, तो इसी को कहते हैं इनहैबिटेड, कोई जगह रहने के लिए ऑक्यूपाई कर लेना, घेर लेना, उस जगह पर रहने के लिए निवास बना लेना, लोगों का रहना शुरू हो जाना किसी जगह पर, दैट इज कॉल्ड इनहैबिटेड। और मेनलैंड होता है समुद्र के बीच में जो कोई भी लैंड की जगह होती है, लैंड मतलब भूमि की जगह होती है, समुद्र के आसपास किनारे पे जो महाद्वीप होते हैं, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसी को मेनलैंड कहते हैं। रहने के लिए कोई मुख्य जमीन मिलना, कोई एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का मिलना, या कोई पुरानी सी जगह, बहुत बड़ी फैली हुई जगह मिल जाना, उसी को कहते हैं मेनलैंड। देवप्रिय अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो बच्चे मैं मेनलैंड का मीनिंग ही बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। मेनलैंड मतलब कोई कॉन्टिनेंट, छोटा सा समुद्र के बीच में एक भूमि का टुकड़ा, इट इज कॉल्ड मेनलैंड। एक ऐसा टुकड़ा जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और जिसके आसपास समुद्र है लेकिन साथ में जमीन का हिस्सा भी है, इसी को कहते हैं मेन लैंड। मैम एंड अंडमान भी है, मैम अंडमान भी है, हाँ यस बच्चे, इट इज कॉल्ड अ मेन लैंड, क्योंकि अंडमान में तो लोग अब रहने लगे हैं काफी मात्रा में, है ना, तो मेन लैंड मीन्स जब लोग वहां पर जो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, समुद्र के आसपास का टुकड़ा जिसमें पानी नहीं होता, जमीन होती है। सो आई होप आपको मेनलैंड का मीनिंग समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करें बच्चे, आपको अगर कोई ये न्यू वर्ड समझ में आ गए हैं तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे बच्चे। ओके चलिए बच्चे क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं, आज हम इसके क्वेश्चन सभी कर लेंगे।